अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मैंगो केक और ये मैं बग़ैर अंडे और आम के बनाऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ हाफ कप ऑयल। अब इसमें एक टेबल स्पून भर के जाएगा मैंगो एसेंस। अगर आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा नहीं रखना तो आप इसको हाफ टेबल स्पून या एक टीस्पून तक डाल सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी मैंने कम रखी है, 6 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो 8 से 10 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और अब मैं इन सबको मिक्स करूंगी। चीनी ज़ाहिर सी बात है इसमें पूरी तो डिज़ोल्व नहीं हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है। यहाँ पे मैंने बॉल के ऊपर छन्नी रख दी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। 1.5 कप मैदा डाल देने के बाद अब मैं इसको थोड़ा छान रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करना है। इधर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। दोनों की क्वांटिटी आपने सेम ही रखनी है। अब मैं इन सब चीज़ों को छान लूँगी। छान लेने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप दूध। दूध मैंने इसमें एकदम से नहीं डाला, मैंने हाफ कप दूध लिया था पहले मैंने वो डाला, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैंने 1.5 कप इसमें दूध डाला है। क्योंकि एकदम से अगर जो हम सारा दूध इसमें डाल देंगे तो ये हो सकता है कि बैटर बहुत ही पतला हो जाए और फिर ऐसे बैटर ख़राब हो सकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। यहाँ पे बैटर ऑलमोस्ट रेडी है और अब मैं इसमें आखिर में डाल रही हूँ येलो फूड कलर। आप चाहें तो जर्दे का रंग भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर आप बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। मैं भी जो हूँ वो सिर्फ़ 1 चुटकी डाल रही हूँ इसमें कलर की। कलर डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बैटर को मिक्स करके मैंने साइड में रख दिया है और अब यहाँ पे मैं बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयल से इसको ग्रीस नहीं करना, बस ब्रश को आप ऑयल में डिप करें और ग्रीस कर दें। ग्रीस कर देने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मैदा और मैं इसको जो हूँ वो अच्छे से फैला दूंगी पूरे ट्रे में। अब आखिर में इसमें जाएगा बैटर जो हमने बना के तैयार किया था पहले। और अब यहाँ पे मैं इसको बेक कर रही हूँ 20 से 25 मिनट के लिए और इसको मैंने देगचे को पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। जब मैंने बैटर बनाना शुरू किया था तभी मैंने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे रख दिया था। 20 से 25 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केक बनके तैयार है और इसका कलर बहुत अच्छा आया है और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली ईद पे जब मेहमान आते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।